आज के जनरेशन में ऐसे लड़कियों की ज़रूरत है जो अपने माँ बाप को कहें कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विद सच वंडरफुल पेरेंट्स, वरना 10 में 7 पेरेंट्स दिल में वजन लेकर जी रहे हैं। कब हार्ट अटैक से मर जाएंगे पेरेंट्स पता नहीं है, इतना बच्चे सता रहे हैं। कितने में से कितने, 10 में 7 पेरेंट्स परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर। एक दौर था 15 साल पहले जब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ था, खुशी का ठिकाना नहीं था उस बाप का, न जाने कहां कहां घूम रहा था, खुशी के मारे सजदे कर रहा था, पागल हो चुका था कि मैं बाप बन गया। 15 साल के बाद वही बाप उस बच्चे को देखकर परेशान है और खून के आंसू अकेले रोता है, इतना सताते हैं लोग। मैंने कल भी कहा था NRI स्टूडेंट स्पेशली जो सऊदी अरेबिया के बच्चे हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ एक फैमिली आई है 5 बच्चों को लेकर, हस्बैंड वाइफ ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या बेहतरीन बच्चे हैं माशाल्लाह। ये पहली फैमिली देखा हूँ सर जो NRIs के बच्चे हैं, इतने डिसिप्लिन फर्माबरदार, बहुत डिसिप्लिन, बहुत नाइस, इतनी अच्छी फैमिली, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। वरना नीट की ट्रेनिंग लेने आए और कमरे में से आवाज आती है मुझे, NRI हॉस्टल में औरत रोते हुए आ रही है, मैं बाहर जाकर पूछता हूँ कि क्या हुआ आंटी, वो कह रही है कि कमरे में मेरे बेटे ने मेरे शौहर पर हाथ उठा दिया है। यानी वो 15 साल का लड़का बाप पर हाथ उठाता है, हाथ पैरालाइज हो जाए उस स्टूडेंट या उस बच्चों का जो हाथ अपने बाप पर उठता है। आज 7 ऐसे फैमिलीज हैं 10 में जो वालिदैन को मुसलसिल परेशान कर रहे हैं, बट शी इज क्राइंग। ऐसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों की ज़रूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छा मैसेज स्प्रेड करेंगे पूरी दुनिया में जाकर, और सब लोग को बताएंगे और अपने फ्रेंड्स को, और या यंगस्टर्स जितने भी खड़े हो जाएं 20 साल के उम्र under 20 years जो भी हैं, ये मैसेज सिर्फ आप लोग के लिए हैं। बहुत फर्माबरदार होना है आपने, और आपके वालिदैन अगर इस रूह ज़मीं पर सांस ले रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, माँ रोटी भी बना रही है, तो सिर्फ आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनके भी ख्वाब थे कुछ दिन पहले, लेकिन जैसा आप दुनिया में आए हैं उनके ख्वाब कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग के ही लिए जी रहे हैं वो लोग। और जब आप लोग तकलीफ देते हैं, यकीन जाने दुनिया में कोई बंदा भी कंसोल नहीं कर सकता उस पेरेंट्स को जो तकलीफ बच्चों से मिलती है। मुझे पूरा यकीन है जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पर हैं वो बहुत अच्छे इंडिविजुअल्स बनकर और ऐसे ही बच्चे बने। यू आर सो स्वीट, राइट, एंड आई बिलीव दैट यू विल डू वंडर्स इन द कमिंग डेज, और आई लव टू टीच यू समडे। कब ज्वाइन करोगे आप? वेरी सून, नेक्स्ट समर एट इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। कहाँ से आती हो, वेयर यू कम फ्रॉम? तो वहीं पर वर्कशॉप करूँगा मैं आकर के फॉर यू, ओके? राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।